धनक की जिंदगी में आया सबसे बड़ा विघ्न। सबके सामने धनक को कहा गया गद्दार। सीरियल गठबंधन में दशरथ चौल में हो रही है गणपति पूजा। वैसे तो विघ्नहर्ता के आने से सबके दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि धनक का वक्त काफी खराब चल रहा है, क्योंकि गणपति पूजा में कुछ पैम्पलेट्स बांटे गए हैं जिसमें धनक को कहा गया है गद्दार। मानो विघ्नहर्ता के सामने ही धनक के सामने अब सबसे बड़ा विघ्न आ गया है। हाँ, जिंदगी में विघ्न शुरुआत हो गई है विघ्नों की, तो मैं पूजा इसलिए कर रही थी कि सारे विघ्न हर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी 6-7 और हैं, उसके बाद हरूंगा। कल तक जो लोग धनक के साथ खड़े रहते थे वही लोग धनक को गलत समझने लगे हैं। सबके सामने धनक की जमकर बेइज्जती की गई है। बहुत बेइज्जती करी यार मेरी आज, मतलब बंदूक होती तो 2-3 को तो मैं उड़ा देना था मैंने, पर अफसोस बंदूक और डंडा दोनों हाथ में नहीं है, मेरे ताकत भी नहीं है, नहीं तो वरना बता दूं। धनक पर कोई आंच आए और रघु चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर रघु ने संभाली है जिम्मेदारी धनक की खोई इज्जत लौटाने की। जी हाँ, वो तो खड़ा रहना तो हमेशा बनता है यार, अगर मैं चाहूँ या ना भी चाहूँ। बट अभी धनक की जो सिचुएशन है, बहुत रघु और धनक बहुत हम लोग की जो सिचुएशन है बहुत खराब है। धनक को देशद्रोही बोला गया, उसकी वर्दी छीन ली गई है उससे, और वही हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, धनक इनोसेंट है, उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। और रघु फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, बट धनक इज टोटली ब्रोकन, टोटली हार्ट, मतलब शैटर्ड। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे उसको, बट रघु इज स्टिल ट्राइंग टू कंसोल हर, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। धनक, अभी तक तो आपकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए एक ही दुश्मन था, लेकिन रघु के बाबा के लौट आने से आपकी मुसीबतें भी डबल हो गई हैं। कैसे निपटेंगी इस डबल ट्रबल से? जब तक एक कहते हैं ना, जब तक विलन अपनी चाल चलता नहीं है तब तक हीरो और हीरोइन को कम बैक करने का मौका नहीं मिलता, वरना वो हीरो हीरोइन कहलाएंगे कैसे। तो अभी विलन ने चाल चली है, अब हमारे भी बारी आएगी, हम भी आएंगे वापस, फिर ही विलन को अपने कहते हैं ना मुँह की खानी पड़ेगी, फिर हम विनर्स बनकर आएंगे। धनक ने इरादा तो कर लिया है अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने का, लेकिन दो दुश्मनों से निपटना वो भी वर्दी की ताकत के बिना धनक के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट E24।